टाइम से लास्ट कॉर्पोरेशन इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे, जिसमें तकरीबन कॉन्टेस्ट करने वाले डिफीटेड कॉर्पोरेटर्स इसमें जेडीएस पार्टी में शमूलियत है। यहाँ पर इफ्तार और शाम का भी इंतजाम रहेगा। बोल के यहाँ पे कल प्रोग्राम में आप आइए। आज बरोज जुमा 15 रमजान उल मुबारक, बाद नमाज जुमा ठीक 4 बजे मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में। जेडीएस की तरफ से कल जेनिंग का प्रोग्राम रखा गया है। अपील करता हूँ कि इस आलीशान प्रोग्राम में तमाम लोग शिरकत करें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया है, जो प्रोग्राम रखा गया है मुगल गार्डन फंक्शन हॉल के अंदर रखा गया है। जो लोग हमारे एमआईएम के तमाम जो कैंडिडेट थे, आज वो कैंडिडेट कल यहाँ पे पूरे कैंडिडेट यहाँ पे कल जॉइनिंग होंगे एमआईएम के। और मैं गुलबर्गे की नॉर्थ के आवाम से अपील करता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं गुलबर्गे के अंदर एक माहौल चल रहा है, हर किसी के मुंह के ऊपर नासिर हुसैन उस्ताद लीडर, जैसे नासिर हुसैन उस्ताद लीडर हैं, मैं चाहता हूं कि गुलबर्गे में हर कोई नासिर हुसैन उस्ताद बोल के यहाँ पे कल प्रोग्राम में आप आइए। जेडीएस की तरफ से कल जॉइनिंग का प्रोग्राम रखा गया है। मैं खास तौर पे नॉर्थ के आवाम को, कल हमारे माँ और बहनों को यहाँ पे इफ्तार का प्रोग्राम भी रखा गया है और यहाँ पे स्पीच भी होंगी, उसके बाद जॉइनिंग का प्रोग्राम रखा गया है। खास तौर से नॉर्थ के आवाम से मैं अपील करता हूँ कि कल मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में आप आइए, ज़रूर अपने पड़ोसी को भी लाइए साथ में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाद नमाज जुमा शाम 4 बजे मुगल फंक्शन हॉल टीपू सुल्तान चौक रिंग रोड पर अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में जनता दल सेकुलर का एक आलीशान पैमाने पर प्रोग्राम मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें हम तमाम हमारी टीम जो एमआईएम से लास्ट कॉर्पोरेशन इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे, जिसमें तकरीबन कॉन्टेस्ट करने वाले डिफीटेड कॉर्पोरेटर्स इसमें जेडीएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और साथ ही साथ और भी कई एक सियासी पार्टी के कायदीन लीडर्स वर्कर्स अलहाज नासिर साहब की क़यादत को कबूल करते हुए मजबूत करने के लिए कल मुगल फंक्शन हॉल में के पुरगा में जेडीएस ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम शहरियान गुलबर्गा से अपील करता हूं कि इस आलीशान प्रोग्राम में तमाम लोग शिरकत करें। साथ ही साथ यहां पर इफ्तार और शाम का भी इंतज़ाम रहेगा। मैं तमाम लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि अलहाज नासिर उस्ताद साहब शहर नहीं बल्कि पूरे हैदराबाद कर्नाटक की शान है, उनकी क़यादत को मजबूत करें और आने वाले दिनों में पूरे हमारी कौम का एक आवाज़ जो बनने जा रही है नासिर हुसैन उस्ताद साहब, उनको अपना हर चीज़ से सपोर्ट करते हुए इस इलेक्शन में आने वाले 10 मई के जो पोलिंग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करना है और असम्बली को भेजना है। इंशाल्लाह ये काम अल्लाह पूरा करेगा, हमारे तमाम लोगों की दुआ है और साथ भी रहेगा। मैं फिर एक बार आवाम से गुजारिश करता हूँ जो 4 बजे से मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में जो जेडीएस का प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें जेडीएस के स्टेट, नेशनल और ज़िले के तमाम लीडर्स यहाँ मौजूद रहेंगे, हम सबको खिताब करेंगे, तो मैं तमाम लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में ज़रूर बा ज़रूर शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज जुमा 15 रमजान उल मुबारक, बाद नमाज जुमा ठीक 4 बजे मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में एक तारीखी जनता दल सेकुलर का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें शहर के कई एक सियासी और गैर सियासी शख्सियात जनता दल सेकुलर में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मैं तमाम उन मेरे भाइयों को जो जनता दल सेकुलर में शमूलियत इख्तियार करेंगे, अपनी टीम की और कायदे मोहतरम अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की जानिब से तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इसी के साथ मैं शहर गुलबर्गा की आवाम से अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर शिरकत कर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। आने वाले दिनों में 1 महीने में कर्नाटका में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, उसी जमन में
अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब को गुलबर्गा नॉर्थ के आवाम से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कायदे मोहतरम एक इंकलाबी कायद को अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब को कामयाब कर असम्बली भेजें, क्योंकि आज शहर गुलबर्गा ही नहीं बल्कि कर्नाटका हैदराबाद कर्नाटका की तमाम ही रीजन को कायदे मोहतरम अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसे लीडर की ज़रूरत है। आए दिन आप लोग देख रहे हैं शहर में किस तरह से, स्टेट में किस तरह से फैसिस्ट ताकतें अपना सर चढ़कर बोल रहे हैं, तो उन तमाम लोगों से लड़ने के लिए अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब बेहतर लीडर हैं, बेहतर कायद हैं। मैं अपनी जानिब से तमाम आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएंगे।